अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम शहर में पंचमशाली लिंगायत लीडरों की मीटिंग गांधी भवन में ली गई। खामोशी के साथ मीटिंग का एहतमाम किया गया था। बहरहाल सहाफियों से मुखातिब होते हुए 24 घंटे की मोहलत वजीर आला को दी गई कि 2A को लेकर पंचमशाली का फैसला फौरन सुनाया जाए, वरना लाखों लोगों को जमा कर चलो हवेली का एहतजाज किया जाएगा। खैर बजाहिर पंचमशाली रिजर्वेशन की मीटिंग तो नजर आ रही थी, लेकिन दिगर सियासी मसाइल पर भी खुफिया मशवरा करने की बात कही जा रही है, जिसमें कई पंचमशाली लीडरों ने शिरकत फरमाई। खासकर रत्नाल पाटिल, लक्ष्मी अब्बाकर, कुल संगम पीठ स्वामी, स्वामी मृत्युंजय महंतेश दोड गौडर, चन्ना राज हट्टीवली, प्रकाश शुक्रिया और भी दिगर हजरात जो सियासी हलकों में अपना रसूख रखते हैं शरीक रहे। खैर आज जब मीटिंग तलब की जा रही है तो इसके पीछे भी उतनी ही अहम बात हो सकती है। 2A रिजर्वेशन को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज से पहले भी किए गए और खासकर अधिवेशन के वक्त भी किया गया और इसका असर भी रियासती तौर पर देखा गया। पंचमशाली लिंगायत की अहम मीटिंग फिर से आज बेलगाम में ली गई तो कई सारे तबसरे किए जा रहे हैं। अब इस पर हमें तबसरा करने की क्या जरूरत है, ये भी सवाल उतना ही अहम है। आज की इस मीटिंग पर तबसरा इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की जानिब से जहां भी मुसलमानों को टिकट देने की बात की जा रही है, वही पंचमशाली लिंगायत का भी नाम आ रहा है और पंचमशाली उम्मीदवारों को टिकट देने की भी बात कही जा रही है। बेलगाम नॉर्थ के लिए फिरोज सेठ या राजू सेठ में से एक नाम फाइनल हो चुका है, सितला भी हासिल हो चुकी है। बेलगाम जिले में कुल 18 हलके आते हैं और मुसलमानों को इसमें से 2 की मांग की जा रही थी। जाहिर है बेलगाम नॉर्थ के लिए तो मुसलमानों को देना पार्टी की मजबूरी ही कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों के टिकट काटना भी काबिले तवज्जो बात है और इस पर मुस्लिम रहनुमाओं को भी संजीदगी से गौर फिक्र करना होगा। बेलगाम नॉर्थ को लेकर कई लोगों ने पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन आखिरकार फिरोज सेठ या राजू सेठ को मिलना तय किया गया, इसी भी बात हासिल हुई है। वैसे भी फिरोज सेठ या राजू सेठ को मिलना इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि फिरोज सेठ साहब 2 बार MLA रह चुके और मुस्तकिल वोट शेयर बढ़ता ही गया। बेलगाम नॉर्थ एक वाहि जगह है जहाँ मुसलमानों का तसल्लुत ज्यादा है, काफी है। आखिर बेलगाम नॉर्थ को लेकर इतना तनाजा खड़ा करने की वजह यह भी है कि पार्टी के आपसी इख्तलाफात और रंजिशों के चलते किसी तरह मुसलमानों को टिकट काटने की कोशिश कुछ कांग्रेस के ही बड़े लीडरों की जानिब से की जा रही थी, ऐसी भी खबर हासिल हुई। आपको इस बात का भी एहसास शिद्दत से होगा कि रियासत की सियासत कुछ हद तक बेलगाम जिले से ही देखी जाती है। पिछली मर्तबा रमेश जारकिहोली का कांग्रेस के साथ बगावत कर भाजपा का दामन थाम लेना और उससे पहले लक्ष्मी अब्बाकर रमेश जारकिहोली का PLD बैंक को लेकर इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर चुका था, जिसका खामियाजा या यूं कहिए कि भाजपा की हुकूमत बनाने में रमेश जारकिहोली का रोल अहम रहा। यकीनन रियासत में पंचमशाली लिंगायतों का तसल्लुत है और आगे हो सकता है कि लिंगायतों के हाथ में ही हुकूमत की बागडोर रहेगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बड़े लीडर जो लिंगायत से है मुत्तहिद होते दिखाई दे रहे हैं और बार बार तबादले ख्याल भी करते हुए पाया जा रहा है। जाहिर है रियासत के साथ लिंगायतों का तसल्लुत जारकिहोली भाइयों की सियासत के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे लक्ष्मी अब्बाकर का सियासी कद बढ़ते जा रहा है। एक बार फिर रमेश जारकिहोली बेलगाम ग्रामीण में सरगर्म होते भी दिखाई दे रहे, लेकिन लक्ष्मी अब्बाकर की बेलगाम ग्रामीण में काफी मजबूत पकड़ हो चुकी है। वैसे भी भाई चंद्रराज हट्टीवली के MLC होने के बाद लक्ष्मी अब्बाकर की ताकत और भी बढ़ गई है। कहने का मतलब यह है कि बेलगाम जिला सियासी सरगर्मियों का अड्डा बनता जा रहा है। कांग्रेस का एक सतीश जारकिहोली डिप्टी CM के रेस में होने की बात कर रहे हैं, वही सियासी मैदान में दिगर लीडरों में भी रस्साकशी जारी है। DK शिवकुमार और सिद्धरामैया इस तरह 2 धड़े कांग्रेस में पाए जा रहे हैं। मुसलमानों के कई लीडरों का ज्यादा रुसूख पार्टी में नजर नहीं आ रहा। DK शिवकुमार की हिमायत लक्ष्मी अब्बाकर को हासिल है तो सतीश जारकिहोली सिद्धरामैया इत्तेहाद भी काबिले तवज्जो है। भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ हद तक तब्दीलियां जरूर रोनुमा की है, पर पार्टी में गिरोबंदी शायद नुकसानदेह साबित हो सकती है और इसका सीधा फायदा भाजपा को हो सकता है। इत्तला के मुताबिक कई सारी तब्दीलियां चुनाव के नजदीक तक और भी हो सकती है। भाजपा के अमित शाह और वजीर आला मोदी की रैलियों की भी शुरुआत रियासत कर्नाटक में होने जा रही है। हिंदू मुस्लिम राजनीति में भी इजाफा हो सकता है। JDS किंग मेकर बनने की उम्मीद लगाए बैठा है। CM इब्राहिम को इसी मद्देनजर यहाँ वहां घूमते देखा जा रहा है, लेकिन CM इब्राहिम से बहुत कुछ तब्दीलियां रोनुमा हो सकती है कहना बहुत मुश्किल है। खैर बेलगाम जिला सियासी तौर पर काफी हद तक अहमियत रखता है। बेलगाम नॉर्थ में फिरोज सेठ, राजू सेठ, सतीश जारकिहोली, रमेश जारकिहोली, लक्ष्मी अब्बाकर, चंद्रराज हट्टीवली, फिर DK और सिद्धरामैया के पूरे जिला पर खास तवज्जो बेलगाम जिला पर
देखी जा रही है। फिर भाजपा लीडरों का भी बेलगाम आना जाना, पंचमचाली लिंगायतों की मीटिंग, कुल मिलाकर बहुत कुछ होने वाला है बेलगाम नॉर्थ के लिए। फिर सेठ राजू सेठ की खातिर हाजी अली हिंडसगेरी की मेहनत भी काबिल तवज्जो रही है। हाजी अली हिंडसगेरी नौजवान कायद है और वो हुबली में काफी ज्यादा मकबूल भी है। हुबली से बेलगाम बार बार आकर पार्टी के काम को अंजाम देते रहते हैं। खैर, कुल मिलाकर बेलगाम जिला आने वाले चुनाव के मद्देनजर बहुत अहम होगा, इतना जरूर है। अहम खबरों पर एक नजर। कल रात जबरदस्त सड़क हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। वारदात बेलगाम जिला सोनदत्ती में पेश आई। यल्लम्मा मंदिर के दर्शन के लिए रामदुर्ग से गुड़साटो में सवार होकर जा रहे थे, रात में हादसा पेश आया जिसमें हनुमवा, दीपा, सविता, सुप्रीता, मारुति, इंद्रप्पा इनकी मौत हो गई। सरकारी मुआवजा देने का ऐलान जिले वजीर गोविंद करजोल ने भी किया है। आज हत्तर की टोल नाके के पास सातारा से बेलगाम आने वाली KSRTC बस में अचानक आग लग गई, लिहाजा बस ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए तमाम पैसेंजर्स को बस में से नीचे उतारा। कुछ ही देर में बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आज रहमान फाउंडेशन की जानिब से गूंगे बहरे बच्चों को फ्रूट तकसीम किया गया। कुल 90 से ज्यादा बच्चों को रहमान फाउंडेशन की जानिब से फ्रूट दिया गया। इनके इस खिदमत को सराहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रहमान फाउंडेशन की जानिब से हम लोग गवर्नमेंट डिप्स स्कूल जहां पर बच्चे गूंगे और बहरे तालीम हासिल कर रहे हैं, यहां हम लोग हाजिर हुए और इनमें फ्रूट की तकसीम का काम अमल भी हम लोगों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां हाजिरी देने के बाद ये हम सबको ये महसूस हुआ कि खिदमत का एक ये भी एक बहुत बेहतरीन मैदान है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और बहुत सारी ज़रूरतें यहाँ भी हैं, जिससे महसूस हुआ कि वक्तन फ़ोक्तन गाहे बगाहे यहाँ पर भी हाज़िरी देनी चाहिए और इनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश भी हम लोगों को करने की ज़रूरत हम लोग महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम यहाँ हाज़िर हुए और पूरा निज़ाम भी हमने देखा, खाने पे